कमर तोड़ महंगाई जिसकी वजह से आम लोगों का जीवन संकट बन गया है। यहां एक ओर डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं बिजली के बिलों में वृद्धि की गई। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों की पढ़ाई न होने पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। खेती किसानी के समय में बीज और अन्य कृषि सामग्री लगातार वृद्धि होने से किसानों की हालत बदतर हो गई है। सरकार की इस हिटलरशाही तानाशाही अघोषित महंगाई के विरोध में विशाल बैलगाड़ी रैली और ज्ञापन विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया। यहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर सैकड़ों लोगों की भीड़ में भाजपा के पाप का घड़ा फोड़ा गया। तहसील के अंदर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रूपेंद्र यादव के साथ एक दर्जन लोगों ने मुंडन कराकर अपने बाल शिवराज और मोदी के लिए घाट किए और साथ ही भाजपा विरोधी नारों के साथ युवा कांग्रेस करेरा। विधानसभा कार्यकर्ता भारी जोश में दिखे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, जिस तरीके से ये दमन कार्य नीति और हिटलरशाही अपना रही है, उसमें आम जन बहुत परेशान है, किसान परेशान है, शिक्षित जो नौजवान हैं वो उनके लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजली की लगातार वृद्धि हो रही है। इसके उपलक्ष्य में हमने सरकार को अपने बाल दिए हैं, क्योंकि जब किसी के घर में कोई शोक संवेदना हुई तो हम इस सरकार को मरा हुआ समझते हैं, जो लोगों की संवेदना नहीं समझ रही है।